press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब बाय राकेश पर। दोस्तों मेरा नाम आर के यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक और नई जॉब की नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हो चुका हूं। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो नोटिफिकेशन आया वो रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर लखनऊ यानी एआरओ लखनऊ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है 4 दिसंबर 2019 से लेकर 17 जनवरी 2020 तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आर्मी की जो भर्ती होने वाली है एआरओ लखनऊ की तरफ से, जिसके अंदर इन डिस्ट्रिक्टों के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट अरिया, बंडा, बाराबंकी, चित्रकूट, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, महोबा एंड उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, दिनांक 2 फरवरी 2020 से लेकर 20 फरवरी 2020 तक फतेहपुर यूपी के अंदर ये भर्ती चलने वाली है। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसके अंदर 4 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 17 जनवरी 2020 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का एडमिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर 18 जनवरी 2020 से लेकर 1 फरवरी 2020 तक भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती के अंदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार से रहेगी। पोस्ट नंबर 1 है सोल्जर जनरल ड्यूटी। एज लिमिट यानी 17.5 से 21 साल के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। वैसे आप अगर देखते हैं तो 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2002 के बीच जिन उम्मीदवारों का जन्म हुआ है वो उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, हाइट की बात करें तो उम्मीदवारों को 169 हाइट की ज़रूरत है और वेट 50 kg होना चाहिए और चेस्ट की बात करें तो उम्मीदवारों का 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहां से देख सकते हैं। 10th पास कैंडिडेट्स इसमें भाग ले सकते हैं, मिनिमम 45% अंकों के साथ जिन्होंने 10th पास की है और हर एक सब्जेक्ट में 33% अंक होना अनिवार्य है। दोस्तों, पोस्ट नंबर 2 सोल्जर टेक्निकल, जिसमें 17.5 से 23 साल तक के कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं। दोस्तों, हाइट उम्मीदवारों की 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 50 kg और चेस्ट 77+5 सेंटीमीटर। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार 10+2 उम्मीदवार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से जो उम्मीदवार 10+2 पास हैं मिनिमम 50% अंकों से और हर एक सब्जेक्ट में 40% अंक होना अनिवार्य है तो वो उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, अगली पोस्ट है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, जिसके अंदर आयु सीमा 17.5 से 23 साल, 169 सेंटीमीटर हाइट, 50 kg वेट और 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए उम्मीदवारों का प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव उसमें होना चाहिए। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 10+2 उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में जिन उम्मीदवारों ने 10+2 पास की है मिनिमम 50% अंकों से और हर एक सब्जेक्ट में 40% अंक होना चाहिए तो वो उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, अगली पोस्ट है सोल्जर कर्रक और स्टोर कीपर टेक्निकल। आयु सीमा 17.5 से 23 साल तक के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। उम्मीदवार की हाइट 162 सेंटीमीटर और 50 kg उम्मीदवारों में वेट होना चाहिए। दोस्तों, चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए उम्मीदवारों का प्लस 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, दोस्तों, उम्मीदवार 10+2 उम्मीदवार पास है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी सब्जेक्ट से 10+2 पास है मिनिमम 60% अंकों से हर एक सब्जेक्ट में 50% अंक होना अनिवार्य है तो वो उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, अगली पोस्ट है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास, जो सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास जिसके लिए आयु सीमा 17.5 से 23 साल। दोस्तों, उम्मीदवारों की हाइट 169 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, चेस्ट 77+5 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन, इसमें 10th पास कैंडिडेट्स मिनिमम 33% से जो पास हैं वो भाग ले सकते हैं। दूसरा सोल्जर ट्रेड्समैन के पदों की वैकेंसी है, जिसके अंदर 8th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट दोनों की सेम है, ओनली फॉर इसके अंदर क्लास 8th पास कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, फिजिकल के अंदर इन उम्मीदवारों को छूट दी गई, जिसमें लद्दाखी, गोरखा और जो कैंडिडेट्स एडमैन एंड निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी इसके अंदर कुछ छूट दी गई है जो आप यहां से देख सकते हैं।
दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ भी इसमें छूट दी गई है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं सन ऑफ सरोसमैन, और इस प्रकार से जो भी जानकारी आप पूरी जानकारी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले और यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीदवारों की फिजिकल रिक्वायरमेंट इस प्रकार से रहेगी, दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग उम्मीदवारों को पास करनी होगी, जिसको दो ग्रुपों में बांटा गया है। जो उम्मीदवार 5 मिनट 30 सेकंड तक 1.6 किलोमीटर रनिंग पास करते हैं उनको 60 अंक दिए जाएंगे, और जो उम्मीदवार 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक पास करते हैं उनको 48 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बीम पुलअप्स भी हैं, जो आप यहाँ से अलग अलग देख सकते हैं, जिनके अलग अलग मार्क की पूरी जानकारी यहाँ से दिखाई गई है। 9 फीट डिज आपको पास करना होगा और जिग जग बैलेंस ओनली फॉर ये दोनों चीज़ें आपको पास करनी होगी। दोस्तों यहाँ से आप उम्मीदवारों की मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी देख सकते हैं, क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद उम्मीदवारों का रिटन टेस्ट होगा, जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों जब उम्मीदवार रैली भर्ती के अंदर उपस्थित होंगे तो उस समय अपने पास ये दस्तावेज लेके आएंगे, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट और स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट उम्मीदवारों के पास होना चाहिए जब वो भर्ती के अंदर भाग लेने आएंगे। और यहाँ से और भी है, जिसमें अनमैरिड सर्टिफिकेट सबसे अनिवार्य है, करेक्टर सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी, अगर कोई रिलेशन भर्ती में भाग ले रहा है तो इस प्रकार से उम्मीदवार ये पूरे सर्टिफिकेट जब आएंगे तो अपने साथ लेके आएंगे। दोस्तों अगर आप इससे संबंध में और कुछ ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ये विभाग के टेलीफोन नंबर हैं, इसके ऊपर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, साथ के साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।